So guys, once again, welcome to Cyber Explorer YouTube channel, and this is Alendra Vishwakarma. So guys, Cyber Scripting के इस सीरीज में आज हम लोग लास्ट वीडियो में शिफ्ट और पोजिशनल पैरामीटर के बारे में जाना था, ठीक है. और इस वीडियो से हम लोग फंक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है. तो ये वीडियो में मैं आपको जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ फंक्शन क्या होता है और क्या क्या रूल्स है उसके लिए, मतलब बेसिक्स उसके बारे में ब्रीफ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका बेसिक सिंटेक्स के बारे में बताने वाला हूँ. और इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो से फंक्शन का प्रैक्टिकल आएगी, ठीक है. एंड इस वीडियो में एक और चीज़ें, एक मेरे सब्सक्राइबर या जो भी हैं कमेंट किए हैं, तो वो कमेंट किए हैं कि जैसे अमनदीप सिंह नाम है उनका, और वो कमेंट किए हैं कि सर आप भाई ब्रो आप सॉरी जो भी बोल सकते हो मुझे, तो आप मुझे एक ऑटोमेटिक लिनक्स अपडेट के लिए रिमोट पीसी पे ट्यूटोरियल बनाओ, ठीक है. तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि गाइस देखो क्या है कि अभी उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक्स होना चाहिए. अगर आपका बेसिक्स है तो चलो मैं मान के चलता हूँ आपने बेसिक्स कंप्लीट कर लिया, बट मैं ट्यूटोरियल जो बनाता हूँ वो एटलीस्ट सभी लोगों के लिए जो बिगनर्स जो कुछ नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैं उस चीज़ को कवर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में. जब हम लोग एडवांस चीज़ें थोड़ा सा सीखेंगे तो कवर करेंगे, ठीक है. बट इसमें आपको एक हेल्प दे देता हूँ कि अगर आप खुद से अगर आपको ज़रूरत है रिक्वायरमेंट है तो आप क्या कर सकते हो कि आपको मैं एक हिंट दे दे रहा हूँ कि कैसे आप बना सकते हो, ठीक है. तो उसमें बेसिकली आपको फंक्शन का यूज होता है, जो कि अभी तक मैंने फंक्शन पढ़ा नहीं, और इस सीरीज से स्टार्ट होने वाली है फंक्शन, ठीक है. तो फंक्शन का यूज होगा, ठीक है. अब फंक्शन में क्या करना पड़ेगा, दो तीन चीज़ें का यूज होगा, ठीक है. पहला कि आपको लिनक्स में जो लोग क्रोन के बारे में जानते होंगे तो उनके लिए तो बेटर है, जो लोग क्रोन के बारे में नहीं जानते होंगे तो उनको तो ये स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं समझ में आएगा. तो सेकेंड वन कि आपको SSH कनेक्शन के इसमें कन्फिगर करना पड़ेगा SSH के थ्रू आप उसको बैकअप कर सकते हो, ठीक है. और तो यही सारी चीज़ें हैं. तो मैं उस चीज़ को मेबी बाद में जब हम लोग और एडवांस चीज़ें सीखेंगे तो मे भी कवर कर सकते हैं, इस चीज़ को बता सकते हैं, ठीक है. तो आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फंक्शंस पे, और ज़्यादा उस चीज़ को हम लोग नहीं लेके चलते हैं, ठीक ना. तो अभी इसको हम करते हैं इसको डाउन, और एक्चुअली मैंने PPT बना लिया है, तो PPT को मैं ओपन करता हूँ. PPT है, और PPT को मैं ओपन किया, और बेसिक्स फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि बेसिकली फंक्शंस होते क्या हैं, ठीक है. सो सेल स्क्रिप्टिंग में मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो बेसिक्स फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है. देखो फंक्शंस मीन्स कि कुछ स्पेसिफिक टास्क या कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मान के चलो, मशीन मान के चलो, या कुछ ऐसा प्रोग्राम जो कि स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता हो. कुछ जैसे फंक्शन अगर रियल वर्ल्ड में एग्जांपल ली जाए तो फंक्शन कुछ भी हो सकता है. लाइक अ मशीन, एक मशीन क्या करता है, कुछ भी कोई भी मशीन आप ले लो, कैलकुलेटर ही ले लो, तो कैलकुलेट करके देता है, ठीक है. वो भी एक तरह से एज अ फंक्शन उसको मान सकते हो, ठीक है. यानी कुछ यूजर इनपुट दिया उसके बदले कुछ आउटपुट हमको देगा, दैट इज कॉल्ड अ फंक्शन, ठीक है. ओके, तो ये फंक्शन का बेसिक डेफिनेशन है. आप रियल वर्ल्ड में कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी मशीन का, इलेक्ट्रिकल मशीन हो, मैकेनिकल मशीन हो, डजंट मैटर, ठीक ना. तो आप कोई भी एग्जांपल, ठीक है, तो वो एक फंक्शन है. तो फंक्शन का ये बेसिक्स मतलब मीनिंग है, समझो कि फंक्शन ऐसे काम करती है और फंक्शन ये चीज़ें होती है, मैंने ये बताया, ठीक है. अब हम थोड़ा सेल स्क्रिप्टिंग क्या है फंक्शन वो चीज़ें देखते हैं, और देखते हैं बुक का लिखा हुआ चीज़ें क्या होती है, ठीक ना. तो फर्स्ट लाइन सेल फंक्शन ऑब्वियस सा बात मैंने किया, सेल स्क्रिप्टिंग में पढ़ रहा हूँ तो इसलिए सेल फंक्शंस आर अ वे टू ग्रुप कमांड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन यूजिंग अ सिंगल नेम ऑफ दिस ग्रुप और रूटीन, ठीक है. तो बेसिकली क्या है, फंक्शन एक वे है ग्रुप ऑफ कमांड को एक साथ लेटर एग्जीक्यूशन का मतलब हो गया कि
उसको जैसे एक प्रोग्राम आपने ऑब्जेक्ट अगर सी सी प्लस प्लस सॉरी सी नहीं सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सी प्लस प्लस आपने पढ़ा होगा और जावा, तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट आता है। उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक आता है इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली कि जो हमारा एक बार कोड यूज हो चुका है, ठीक ना, तो उस कोड को जो हमारा बेस क्लास होता है उसको हम लोग इनहेरिट करते हैं किस, सॉरी बेस क्लास को किस में इनहेरिट करते हैं, मेन क्लास जो होता है या बेस क्लास जिसको बोलो उसको, जो हम प्री अगेन जो क्लास बनाते हैं, ठीक है, चाइल्ड क्लास जो बनाते हैं जिसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं हम लोग, तो चाइल्ड क्लास में उसके प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करते हैं, ठीक ना। तो रीयूज के लिए बेसिक इनहेरिटेंस का यूज। तो फंक्शन एज लाइक सेल स्क्रिप्टिंग में वही समझो कि फंक्शंस क्या करता है बेसिकली कि जो हमारा ग्रुप ऑफ कमांड्स है, ठीक है, उसको लेटर एग्जीक्यूशन जब एक साथ ग्रुप ऑफ कमांड्स को एग्जीक्यूट करने की जरूरत पड़ती है वहां पे हम लोग फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं सेल स्क्रिप्टिंग में। यूजिंग अस सॉरी बेसिकली क्या है, यूजिंग अस नेम ऑफ दिस ग्रुप और रूटीन, ये सब रूटीन रूटीन बोल सकते हो, सब रूटीन जो लिनक्स के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे उनको पता होगा कि सब रूटीन्स क्या होता है, ठीक है। तो सब रूटीन्स का यूज करता है, ठीक है। तो एंड नेक्स्ट क्या है, द नेम ऑफ द रूटीन मस्ट बी यूनिक विद इन द सेल स्क्रिप्ट और सेल स्क्रिप्ट। तो क्या है कि जो हमारे रूटीन्स है कमांड्स हैं वो क्या है, वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है, एक स्क्रिप्ट में विद इन द सेल और सेल स्क्रिप्ट जो आप जो भी बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट वन, ऑल द कमांड्स दैट मेक अप फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड एग्जीक्यूटेड लाइक अ रेगुलर कमांड। जो हमारा ऑल कमांड होता है वो मेक अप फंक्शन बेसिक है समझो, ठीक है। तो क्या है कि जो भी हमारा जो रेगुलर कमांड एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग जस्ट लाइक अ सेम है, ठीक है, फंक्शन भी, ठीक ना। तो इस चीज को हम लोग देखते हैं आगे में क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, चलो। तो अभी हम व्हेन कॉलिंग अ फंक्शन एज अ सिंपल कमांड नेम अ लिस्ट ऑफ कमांड एसोसिएटेड विद दैट फंक्शन नेम इज एग्जीक्यूटेड। सो गाइस यहाँ पर समझने वाली चीज ये है कि जब हम लोग फंक्शन को कॉल करते हैं, जब प्रोग्राम करेंगे तो देखेंगे सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो जैसे फंक्शन को हमने कॉल किया, तो फंक्शन को कॉल किया तो उससे उस फंक्शन में जितने भी कमांड्स एसोसिएटेड हैं वो सारे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। तो जस्ट स्टूडेंट नाम का फंक्शन को कॉल किया जाता है एक टीचर के द्वारा, ठीक है। तो टीचर के द्वारा कॉल किया जाता है तो जो भी वहां पे एक मान लो, तो सपोज एक मेला है, ठीक है, एक क्राउड प्लेस है, तो क्राउड प्लेस से क्या होगा, एक टीचर आता है वहां पे या स्पीकर आता है, सॉरी स्पीकर आता है और वो क्या करता है कि कॉल करता है, यानी कॉल करता है एज अ स्टूडेंट फंक्शन को। तो वहां पे जितने सारे स्टूडेंट है वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, जस्ट लाइक अ सेम सिनेरियो यहाँ पे है, ठीक है। तो फंक्शंस में जो भी कमांड्स प्री डिफाइंड किए हैं या प्री डिफाइंड फंक्शन हो या आपने डिफाइन किया हुआ आपके द्वारा बनाए गए फंक्शन, वो सारे एग्जीक्यूट होते हैं होंगे, ठीक है। अब फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड विद इन द सेल इन विच इट हैज डिक्लेयर्ड नो न्यू प्रोसेस इज क्रिएटेड टू इंटरप्रेट द कमांड्स, ओके। तो एक सेल के अंदर जो भी हमारा डिक्लेयर किया गया है फंक्शन के अंदर वो उस सेल के अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, इसके लिए अलग से आप प्रोसेस क्रिएट नहीं होता है, ये चीज को समझो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट, तो बेसिकली यहाँ पे है थोड़ा सा इसको साइड कर देता हूँ, ठीक है। तो स्पेशल स्पेशल बिल्ट इन कमांड्स आर फाउंड बिफोर सेल फंक्शन ड्यूरिंग कमांड्स लुकअप द स्पेशल बिल्ट इन। कुछ यहाँ पे बेसिक्स जो जो कमांड्स हैं, ठीक है, जो फंक्शंस में यूज होते हैं उसके बारे में है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो क्या है वो, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो ब्रेक है, उसमें कॉलन है, डॉट है, कंटिन्यू है, इक्वल है, एग्जिट है, एग्जिट है, एक्सपोर्ट है, रीड ओनली, रिटर्न, सेट, शिफ्ट, ट्रैप एंड अनसेट।
सो गाइस इसमें से हम लोग कुछ यूज कर चुके हैं, ब्रेक यूज कर चुके हैं, ठीक है, सेट यूज कर चुके हैं, ठीक है, लास्ट वीडियो में ही हमने सेट यूज करके दिखाया था, एंड नेक्स्ट शिफ्ट भी यूज करके देख चुके हैं, ट्रैप एंड अनसेट। अनसेट के बारे में भी मैं उस दिन बता दिया था, जिस दिन सेट के बारे में मैं आपको बताया था, ठीक है, एंड ट्रैप, एक्सपोर्ट, एग्जिट, ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कंटिन्यू भी यूज कर चुके हैं हम लोग लूप वाले ट्यूटोरियल में। इवेल, नॉर्मल वेरिएबल के लिए होता है इवेल, ठीक है, तो एग्जिट है, एग्जिट है, रीड ओनली, रिटर्न, बेसिकली एग्जिट, एग्जैक्ट, रिटर्न, ये सब का यूज करके हम लोग प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो फाइनल है आज का, वो है हमारा कि सिंटेक्स क्या है। तो सेल स्क्रिप्टिंग में सिंटेक्स हमारा ये है, फंक्शन हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ठीक ना, उसके बाद फंक्शन का नाम देते हैं, जो भी फंक्शन, सपोज स्टूडेंट नाम का फंक्शन आपको क्रिएट करना है, ठीक है, तो स्टूडेंट नाम का फंक्शन, उसके बाद स्टूडेंट लिखेंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो कमांड आपको देना है, और जो जब हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो सेमी कॉलोन देना नेसेसरी है। एक तो ये तरीका है सिंटेक्स फंक्शन को यूज करने का, ठीक है, एंड सेकेंड वन क्या है कि आप डायरेक्ट फंक्शन का नाम दो और उसके बाद डबल पैरेंथेसिस का यूज करो, सिंगल पैरेंथेसिस का यूज करो, ठीक है, ठीक ना, और ये फंक्शन ऑप्शनल है, आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, जब आप देखो दोनों में से एक यूज करो, बेसिकली अगर आपने ये सिंबल नहीं देना चाहते हो तो आप फंक्शन पहले लिख सकते हो और नहीं तो फिर फंक्शन का नाम दो और कर्ली ब्रेसेस के अंदर से इसको एज ए फंक्शन डिफाइन कर दो और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस में पैरेंथेसिस के अंदर पैरेंथेसिस दे दो, एज ए फंक्शन डिक्लेयर हो गया, ठीक है, ये डिक्लेयर करने का वे है। उसके बाद जो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी आप कमांड एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो आप कमांड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही बेसिक्स, ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग ओके, सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें मीन्स कि इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे और इस चीज को कंटिन्यू रखेंगे, ओके। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।